Hi friends, welcome back to series of PCOS PCOD. आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विषय बात करी रहा था. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना फाइव पिलर्स एज वी हैव डिस्कस हूँ एवरी विडियोज में कही कहूँ छू और हजू पण कहीश. डायट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप एंड हाइड्रेशन. वी हैव ऑलरेडी कवर टू विडियोज इन डायट टिप्स. अगर प्रीवियस विडियो में अगर तुम जो भूली गया हो तो तुम आगे जाइने जोई शको. आज आप बहुत इम्पोर्टंट फेक्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विषय बात करीशू, विच इज वॉट वी कॉल्ड एक्सरसाइज. यस, सो डायट एंड एक्सरसाइज ऑलवेज गो हैंड्स ऑन हैंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में. एक्सरसाइज पीसीओएस और पीसीओडी और हॉर्मोनल इम्बेलेंस में एक्सरसाइज में घना बदा बेनिफिट्स है. इट इम्प्रूव्स योर इंसुलिन सेंसिटिविटी, राइट. इट इम्प्रूव्स योर हॉर्मोनल इम्बेलेंस. जो हॉर्मोन्स जो मेल्स और फीमेल हॉर्मोन्स इरेग्युलराइजेशन चले रेग्युलर करे. इट इम्प्रूव्स योर स्लीप क्वालिटी बिकॉज वी हेव सीन के पीसीओएस पीसीओडी पेशेंट्स में के तमने अगर एवं थतु हो रात्र तक प्रॉपर ऊँ न आती हो, तर अर्धी रात्र उठी जाता हो कि सवार में उठो पर यू डोंट फील फ्रेश और क्वालिटी ऑफ स्लीप. देट मीन्स के अगर 9 कलाक 10 कलाक ऊँग्या पछी पण तमने फ्रेश फील नहीं थतु, यू डोंट फील एनर्जी एनर्जाइज नहीं थतु, तो ये इम्प्रूव कर हेल्प करे. इट स्टेबलाइज योर मूड. यस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी जे सीम्टम्स हो हॉर्मोन्स ने लैने एने स्टेबलाइज कर बहुत बेनिफिशियल थतु हो. प्लस इट हेल्प्स यू इन वेट लॉस. यस, बिकॉज ऑफ तमो मेटाबोलिज्म मेटाबोलिक रेट वे तो तमने वेट लॉस में हेल्प थतु हो. इट रेग्युलेज योर ओवल्यूशन. देट मीन्स कि इन्फर्टिलिटी और इरेग्युलर पीरियड्स ने आम घो बधो बेनिफिट थत हो. एंड एनी साथ मैं आग मार विडियो में एक्सरसाइज विषय डिटेल में बात करी है. बिकॉज वी ऑल नो हॉर्मोनल इम्बेलेंस इज बेसिकली वन ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. पीसीओएस पीसीओडी इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो लाइफस्टाइल साथ जोड़ेलू है. तो आग मैं मार विडियो में लाइफस्टाइल लॉकडाउन टिप्स जी आपी है एम मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज विषय डिटेल बात करी है. ये आप जी सको ए तमने घणु बधु बेनिफिट थे बिकॉज मैं एम ऑलरेडी बात करी है तो एना विषे हूँ आज बात नहीं करूँ, राइट. हमें तमने मैं एक्सरसाइज बेनिफिट्स कीधा तो हमें तमने विचार आ एक्सरसाइज कई करनी. बिकॉज सर्टनली पेशेंट्स अमने पूछता ज हो कि कई एक्सरसाइज करवी जो कई विच इज इफेक्टिव. एवं कोई एक्सरसाइज नहीं जो इफेक्टिव है कि जे आ एक्सरसाइज कर लो आटलू रिजल्ट मैं. नथिंग लाइक दैट, राइट. एक्सरसाइज यू हेव टू ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट करवा पड़े. तमारा माटे शू सूट करे छे, मने जे सूट करे छे तमने नथी करतु, तमने करशे ए मने नथी करतु, राइट. देर आर फोर एक्सरसाइज विच इज वेरी इफेक्टिव एंड एक्चुअली हॉर्मोनल इम्बेलेंस. वन इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. रिसर्च स्टडी सेज दैट के रिसर्च भी हो गया है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल इज हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव योर सेंसिटिविटी. इट इम्प्रूव योर हॉर्मोनल इम्बेलेंस एंड इट इज गोइंग टू गिव यू इंसुलिन रेजिस्टेंस में घणु हेल्पफुल थतु हो. नंबर टू इज योगा. रिसेंट स्टडी सजेस्ट दैट कि योगा इज गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव योर एंग्जाइटी, इम्प्रूव योर मेटाबोलिज्म एंड इट इज गोइंग टू इम्प्रूव ऑन योर स्ट्रेस लेवल. थ्री HIIT, that is called High Intensity Interval Training, कि जे स्पेसिफिकली तमारा एस बी सेड कि तमारा कोर मसल्स ने हेल्प करे छे. प्लस अगर तमने एबडोमिनल फैट है बिकॉज दिस इज अ वन ऑफ द सीम्टम्स ऑफ एबडोमिनल फैट इन हॉर्मोनल इम्बेलेंस. तो पीसीओएस पीसीओडी में तमने अगर ए छे तो हॉर्मोनल फैट एबडोमिनल फैट रिड्यूस करवानू, मसल टिश्यू इंक्रीज करवानू, इंसुलिन सेंसिटिविटी में हेल्प करे छे एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स यू इन योर फिटनेस. Fourth exercise that we recommend is cardio exercise, right? Whether it is a walk, jog, running, cycling, swimming, कोई पण प्रकारनी cardio activity तमारी cardiovascular fitness ने इम्प्रूव करतू हो छे, right? So these are the types of exercise जे benefit होय छे PCOS PCOD માં. लेकिन अगर मैं तमने पहला भी कीधु तू कि कोई पण प्रकारनी exercise you have to experiment it, पण important छे regularity, consistency. तमे आजे exercise करो छो ने 10 दिवस कशुज नथी करता, कोई पण फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज तमने हेल्प नहीं करवानी. जे कहीं भी करो स्टार्ट गोल एवो अडप्ट करो, गोल शॉर्ट राखो, 15-20 मिनिट स्पेन्ड करो, 15-15 मिनिट स्प्लिट करीने करो. लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करवी ए इम्पोर्टंट है, राइट. घना बदा लोग एवं हे कि एक कलाक जिम में जता हे कि एक कलाक एक्सरसाइज करता हे, देट इज नॉट इनफ फॉर यू. बिकॉज एक कलाकनी सामे अगर तमे तमारो डायटनुं ध्यान नथी राखता कि एक कलाक एक्सरसाइज करीने 23 आवर्स तमे तमारा बॉडी में शुं नाखो छो, अगर एना उपर ध्यान नथी आपता तो तमने कोईपण प्रकारनी वस्तु हेल्प करवानी नथी, राइट. सो डोंट बी अ लेजी काउच, डोंट बी अ काउच बटाटा. बेसी बेसी ने विचारशो नहीं कि काल थी करीश बिकॉज देर इज नो टुमोरो. जे कहीं भी है आज है. स्टार्ट इम्प्लिमेंटिंग, स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइज फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स एंड जे कहीं भी करो ए रेग्युलरिटी थी करो, राइट. लास्टली आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू टिप्स दैट के रिसर्च सजेस्ट दैट
क्लियर प्राणायाम इज गोइंग टू हेल्प यू अ बहुज 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 हेल्प करे छे पीसीओएस पीसीओडी में बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू इनहेल थ्रू आउट द डे एक 15 मिनिटना प्राणायाम में आखा दिवसों विटामिन ओ कहता कि ऑक्सिजन मिले जे तमारा स्ट्रेस में हेल्पफुल छे तमारा स्लीप में हेल्पफुल छे प्लस स्ट्रेस ने लेने तमारू कोर्टिसोल लेवल जे अप थई जतुं होय छे एमां पण घणो हेल्पफुल होय छे तो तमारी एक्सरसाइज करता पहला जस्ट स्टार्ट डूइंग ब्रीधिंग प्रेक्टिस राइट ब्रीधिंग एक्सरसाइज कर्या पछी तमे तमारा योगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कार्डियो एचआईआईटी तबाटा तमने जे गमे छे ए करवानुं इम्पोर्टंट इज रेग्युलरिटी एंड द इम्पोर्टंट इज हूँ तमने एवं ना कही शकूँ कि आ एक्सरसाइज इफेक्टिव है एवं एक्सरसाइज करो विच एक्चुअली यू लव विच यू इन्जॉय तमने गमे छे ए करो तो ज कोईपण वस्तु इफेक्टिव है राइट टू स्टार्ट डूइंग ब्रीधिंग प्रेक्टिस एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग फ्रॉम टूडे अनवर्ड्स एंड स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर स्टार्ट फीलिंग बेटर स्टार्ट फीलिंग इम्प्रूविंग एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव रिस्पोन्स तमे जे विडियोजना अंत में आप रहा छो थैंक यू सो मच एंड डोंट फर्गेट टू शेर एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स टीनेज गर्ल्स और जे लोग ने खबर ज नहीं कि शू करव जो शू ना करव जो एना सुधी मेक्सिमम आ इन्फॉर्मेशन पहुँचाड़ी कोशिश करो थैंक यू सो मच मलता रहीशू टिल देन बाय